लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं करते थे लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे, और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुंह में घी सक कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था एक तिहाई सरकार, इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है, एक तिहाई हुआ है, एक तिहाई हुआ है, दो तिहाई बाकी। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड एक निष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। आदरणीय सभापति जी, संविधान के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सदन के लिए भी ये पड़ाव विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं, और इसलिए एक सुभग संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहा है। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है, और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई तो तीसरी बार आने का मौका मिल गया। आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है।
और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए? और आज संविधान दिवस के माध्यम से, आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेजों में संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों का स्वीकार करने का निर्णय किया, इसके विषय में हमारे स्कूल कॉलेज में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएं हो, चर्चा सभाएं हो, एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो, देशवासियों के लिए आने वाला पूरा कालखंड संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया और इसे देश के कोने कोने में संविधान की भावना को, संविधान के पीछे जो मकसद है उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है वो अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि कोटि जनों ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय सभापति जी, देश भली भांति जानता है, देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचाने में सफलता पाई है और
जैसे जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की ओर पहुंचता है, एक की तरफ पहुंचता है, तो चुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में 5 नंबर पर पहुंचाने में सफल हुए। इस बार देश की जनता ने हमें 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे।